हेलो गाइस, अगेन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, इसके अटैचमेंट्स के बारे में 11th एंड 12th की, जहां हम इसके पिछले वाले वीडियोस में क्या है कि कवर कर चुके हैं इसके पूरे पार्ट्स को, इसकी पूरी टिपिकल रिप्स को, उनके अटैचमेंट्स को, उनके साइड डिटर्मिनेशन को, रिप्स के हर पोर्शन को। तो हम बात करेंगे इसकी किसके बारे में, अटैचमेंट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ना 11th एंड 12th रिप्स से सबसे नीचे की साइड होती है, क्या होती है वहाँ पे, वो होती है फ्लोटिंग रिप्स। तो उसका कौन सा एंड रहेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टीरियर एंड होगा और उसका एंटीरियर एंड तो होगा ही नहीं। वो एक्चुअली में कौन सा होगा, वो होगा उसका लेटरल एंड। तो यहाँ पे हम इस वाली बात के ऊपर, इस वाली चीज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते सीधे इसके सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अटैचमेंट्स की बात करेंगे हेड की। तो देखिए हेड के अंदर यहाँ पे टू टाइप्स के लिगामेंट्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। टू टाइप्स के अटैचमेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सुलर लिगामेंट एंड द सेकेंड वन इज रेडिएट लिगामेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया रेडिएट लिगामेंट क्या होता है, और कैप्सुलर लिगामेंट भी वहीं पे उसी के जस्ट पास में रिब्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो कि क्या करता है, इनको आपस में पकड़ के रखता है। क्योंकि आपको पता है कि ये, हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में बात की थी ना कि इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, पॉइंटेड टाइप का होता है। तो वहां पे कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है, कैप्सुलर लिगामेंट वहां पे प्रेजेंट होता है। तो और यहाँ पे इसके सर्फेसेज होते हैं, जैसे कि इनर सर्फेस। तो इनर सर्फेस के अंदर यहाँ पे एक मसल्स आएगी, कौन सी मसल्स आएगी, यहाँ पे एक मसल आएगी जिसका नाम है क्वाड्रेटस लंबोरस हो गया, जो कि यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे इसके इनर सर्फेस में आके क्या करेगी, इंसर्ट करेगी। मतलब यहाँ पे इसका क्या पोर्शन बनाएगी, ये सॉरी गाइस ये क्वाड्रेटस है, क्वाड्रेटस लंबोरम। तो यहाँ पे क्या करेगी, इसका इंसर्शन बनाएगी। नाउ इसके अपर बॉर्डर की हम बात करते हैं, इनर सरफेस की अपर बॉर्डर की। इनर सरफेस के हम अपर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी मसल्स रहेगी, यहाँ पे रहेगी इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स रहेगी यहाँ पे, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और वहीं पे इसके मीडियल साइड में, मीडियल 3/4 ऑफ कोस्टल सरफेस में, मीडियल 3/4 ऑफ कोस्टल सरफेस, तो यहां पे मतलब इसके मीडियल 3/4 ऑफ कोस्टल सरफेस में, मतलब मीडियल साइड के अंदर, यहाँ पे इसका 3% जो पार्ट रहेगा वहां पे कौन सी मसल आके जुड़ेगी, वहां पे जुड़ेगी कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस ऑफ द प्लूरा, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा, ठीक है। और यहां पे इसके एंटीरियर पोर्शन में, यहां पे इसके एंटीरियर पोर्शन के अंदर, यहां पे कौन सा रहेगा, एंटीरियर पोर्शन में कौन सी मसल रहेगी, हम उसको बोलेंगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डायफ्राम। इसके एंटीरियर पोर्शन में रहेगा डायफ्राम, ठीक है। अब यहां पर इसके हम बात करेंगे इनर सरफेस की, तो हमने बात ही कर ली है। नाउ वील टॉक अबाउट इट्स आउटर सरफेस। तो देखिए आउटर सरफेस के अंदर यहां पे क्या होता है, आउटर सरफेस के अंदर यहां पे टू पार्ट्स बनाती है, एक तो मीडियल आप एंड एक लेटरल आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मेक ए लेटरल आप, तो लेटरल आर्क की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, तो लेटरल आर्क के अंदर यहाँ पे कौन सी तीन मसल्स होती है, कौन कौन सी मसल्स होती है, तीन मसल्स होती है। एक होती है सेरेटस एंटीरियर, सॉरी सेरेटस होती है,
सेरेटस की पोस्टीरियर होती है, जिसके अंदर ये कहां पर रहती है, इंफीरियर में, SARA SARA, सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल यहां पे प्रेजेंट रहेगी, जो कि यहां पे कौन सा पार्ट बनाएगी, इसका बनाएगी इंसर्शन पार्ट, यहां पे आके ये क्या करेगी, इंसर्ट करेगी। और साथ ही साथ इसकी दूसरी सहेली या फिर इसकी दूसरी बहन भी बोल सकते हैं, तो कौन सी आएगी, वो आएगी लेटिमस डोर्सी या लेटिमस डोर्सी। तो ये यहां पे क्या करेगी, ये यहां से इसका ओरिजिनेशन होगा, ये यहां से क्या करेगी, ओरिजिनेट होगी। नाउ अनदर मसल्स इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स ऑफ एब्डोमेन। तो ये यहां पे क्या करेगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल्स रहेगी एब्डोमेन की, वो यहां पे क्या करेगी, वो भी यहां से ओरिजिन होगी। तो हमने इसके जो पिछले वाले वीडियोस में, अगर हम इसके पिछले वाले वीडियोस की बात करें, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल्स थी, देखिए हमने इसके पिछले वाले एक वीडियो में पढ़ा था कि ये इसको डिवाइड कर रही थी, इसके टू पार्ट को डिवाइड कर रही थी। कौन से वाले पार्ट को डिवाइड कर रही थी, ये यहां पे मतलब कि टू पोर्शंस बना रही थी ना यहां पर, जस्ट वेट मिनट गाइस, वेट, मैं आपको यहां पे क्लियरली आपको अच्छे से बताता हूं। देखिए यहां पर ये था, किसमें, टिपिकल रिफ्स के अंदर अटैचमेंट्स में, देखिए यहां पर जो शाफ्ट था, शाफ्ट के अंदर यहां पे क्या हो रहा था, इफ यू थिंक विजिबल है, देखिए एक्सटर्नल ओब्लिक एंड सेरेटस एंटीरियर मसल्स यहां पर आ रही थी, जो कि यहां पे क्या कर रही थी, 5-8 रिब्स के अंदर, मतलब इनको सेपरेट कर रही थी, एक्सटर्नल एंड ओब्लिक मसल्स के अटैचमेंट्स को क्या कर रही थी, मतलब बना रही थी ये अटैचमेंट्स, इनके ओरिजिनेशन अटैचमेंट बना रहे थे, किसके, शाफ्ट के, टिपिकल रिब्स के शाफ्ट के अटैचमेंट्स बना रहे थे। तो यहां पे हमने इसकी बात की थी, और अब हम इसके अगर लेटरल साइड की बात कर चुके, लेटरल आर्क की, तो हम यहां पे बात करेंगे इसकी मीडियल आर्क की भी, मीडियल आर्क की भी, और यहां पे हम कलर पेन चूज करेंगे अब, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। मीडियल आर्क में क्या होगा, कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट रहेगा, कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट रहेगा। अब देखिए यहां पे अगर कोई बोला कि मिडिल साइड में कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट कैसे रहेगा, तो देखिए यहां पर जो रिब होती है ये कंप्लीटली तो आती नहीं है, देखिए ना यहाँ पे जो रिब होती है ये कभी भी कम्प्लीटली नहीं आती है, ये बीच में आके यहाँ पे निकल के चली जाती है। तो ये इसका लेटरल पोर्शन हो गया, ये इसका मीडियल पोर्शन हो गया, डेफिनेटली। अब ये जब एंटीरियर साइड में जब यहाँ पे ये कंटिन्यू ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इसका लेटरल पोर्शन बन जाएगा, ये इसका मीडियल पोर्शन बन जाएगा। मीडियल पोर्शन क्या बना रहा है, जॉइंट बना रहा है। अगर मीडियल पोर्शन जॉइंट बना रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे जॉइंट के ऊपर कौन कौन से लिगामेंट्स रहते हैं, कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट रहेंगे, है ना, एक लंबो कोस्टल, लंबो कोस्टल लिगामेंट भी यहां पे प्रेजेंट रहेगा। आप लंबो कोस्टल लिगामेंट को, क्योंकि देखिए साइड में जस्ट थोरेसिक नर्व के नीचे जस्ट क्या आ गया, लंबर आ गया, तो वहां पे जब ये T12 के ऊपर जब जाके जुड़ेगी, T12 जब आपस में जुड़ेगी, तो वहां पर लंबर के भी तो लिगामेंट्स आएंगे, तो वही बात यहां पर है, ठीक है। लंबो कोस्टल लिगामेंट भी यहां पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट लोअर कोवेटर कोस्टी, सॉरी लोअर लेवेटर कोस्टी यहां पे मसल्स रहेगी, लोअर लेवेटर COSTEE, लोअर लेवेटर कोस्टी यहां पे क्या रहेगी, मसल्स आके कनेक्टेड रहेगी। एंड यहां पे द सेकेंड अनदर इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे और कौन रहेगा, यहां पे रहेगी इलियो कोस्टलिस एंड लॉन्गिसमस पार्ट ऑफ द सार्को स्पेनलिस, इलियो कोस्टलिस एंड लॉन्गिसमस पार्ट ऑफ सार्को स्पाइनलिस, जो सार्को स्पाइनलिस से उसका कौन कौन सा पार्ट यहां पर रहेगा, लॉन्गिसमस इलियो कोस्टलिस पार्ट ऑफ सार्को स्पाइनलिस, ये हो गया इसका क्या हो गया, मीडियल पोर्शन। नाउ यहां पे इसका आउटर सरफेस पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम इसके अब किसकी बात करेंगे, अब हम इसके टू अनदर बॉर्डर्स की बात करेंगे, कि कौन कौन से यहां पे जो बॉर्डर्स होते हैं, तो यहां पे कौन कौन सा बॉर्डर्स रहेगा,
देखिए ये रहेगा अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर, और वहीं यहां पे कौन सा बॉर्डर रहेगा, ये रहेगा लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। देखिए अपर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे कौन सा रहेगा, इंटर कोस्टल मसल्स रहेगी। अपर बॉर्डर में कौन सी मसल्स रहेगी, यहाँ पे इंटर कोस्टल, ठीक है इंटर कोस्टल मसल्स रहेगी। वहीं अगर इसे लोअर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे रहेगी मीडियल या मिडल लेयर ऑफ थोरेको लंबर फेसिया। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी तीन मसल्स यहाँ पे यहाँ प्रेजेंटेड रहेगी, मीडियल लेयर ऑफ थोरेको थोरेको लंबर फेसिया, ठीक है यहाँ पे कौन सी मीडियल लेयर ऑफ थोरेको लंबर फेसिया। नाउ द सेकेंड अनदर मसल्स इज लेटरल, सॉरी देयर इज नो मसल्स, दिस इज द लिगामेंट लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। तो देखिए यहाँ पे लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट हमने कहाँ पढ़ा था, लेटरल आर्क्यूएट हम लिगामेंट जो था हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था लेटरल बॉर्डर ऑफ डायग्राम डायफ्राम पर, हमने कहाँ पढ़ा था इसको, लेटरल बॉर्डर ऑफ डायफ्राम पर हमने इसको पढ़ा था। और ये लेटरल बॉर्डर ऑफ डायफ्राम हमने कब पढ़ा था, अभी कुछ ही टाइम पहले हमने वीडियोस में जाना था, कौन सी वीडियो के अंदर, जब हम बात कर रहे थे लार्ज ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम्स या फिर आउटलेट ऑफ थोरेक्स या फिर इन्फीरियर एपरेचर्स के बारे में, तो वहीं पर हमने इसका लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट के बारे में बात की थी। द नेक्स्ट इज लंबो कोस्टल लिगामेंट, जो लंबो कोस्टल लिगामेंट्स कहां पे प्रेजेंट रहेगा, नियर द हेड। तो गाइज यहां पे इसके पूरे अटैचमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है यहां पर, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के कमेंट्स का, आप सभी के सब्सक्रिप्शंस का, यहां पे मतलब व्यूज बिल्कुल जीरो जीरो चल रहे हैं, तो यार थोड़ा बहुत डीमोटिवेट तो हो ही जाता हूं, बट फिर भी मैं यहां पे आप लोगों के लिए कंप्लीटली वीडियोस बनाता हूं। इन मसल्स के ओरिजिन्स इंसर्शंस यहां पे आपको मसल्स से अच्छे से याद फिलहाल नहीं होगी, हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको हर एक पोर्शन अच्छे से याद करूंगा। अगर आप हर एक वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हुए जा रहे हैं तो आपको यहां पे पूरी थोरैक्स एनाटॉमी मैं याद अच्छे से करवा दूंगा और सब कुछ याद करवाऊंगा। यहाँ पे एक भी पोर्शन मैंने मिस नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक भी पॉइंट अच्छे से नहीं छोड़ा है, मतलब अच्छे से बताया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर मेरे पास अगर कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन जरूर से जरूर कीजिएगा। तो गाइज मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक लेगा टाटा बाय बाय गुड बाय।